we finished with what are the factors that influence the pricing. Abhi factors that influence the pricing कौन सा किया था हम लोग ने कल टू दो पार्ट थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल राइट इंटरनल फैक्टर्स कुछ थे ऑब्जेक्टिव प्राइस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें कल हम लोग ने की थी कीवर्ड था पीसी पिन पीसी हाँ ये वाला कीवर्ड था राइट फिर एक्सपोर्ट किया था एक्सपोर्ट में पीसी 10C गेम याद आया हाँ सो दोज आर दी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर प्राइजिंग टुडे वी हैव टू लर्न व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्राइजिंग हर कोई सेम तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करता है सेम तरीके से प्राइजिंग नहीं करता है एवरीबडी फॉलोज डिफरेंट मेथड्स सो देर आर फ्यू मेथड्स ऑफ प्राइजिंग नाउ इवन दोज आर बाइफर्गेटेड इन टू टू पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट को ध्यान में रख के प्राइजिंग किया जाता है द सेकेंड पार्ट इज मार्केट ओरिएंटेड तो टुडे वी आर स्टडिंग प्राइजिंग मेथड्स ओके नाउ इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड में सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड प्राइजिंग कैसे की जाती है कीपिंग कॉस्ट इन माइंड दे विल डिसाइड हाउ टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट हाउ टू कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस कीपिंग इन माइंड दी कॉस्ट कॉस्ट विल बी योर बेस वेर एज इन दी अदर सेकेंड पार्ट इट इज मार्केट ओरिएंटेड मार्केट को देख के मार्केट कैसा है मार्केट हैज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग हैं इट इज दे विल प्राइज मोर मार्केट अगर कंजूस है बार्गेनिंग है कल मैंने बोला था पता है मैंने इंडिया साउथ अफ्रीका वालों को पता चल गया था ये इंडियंस आए हैं उन लोग बार्गेन कर रहे वगैरह तो मार्केट को देख के पता करो कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं ऑब्वियसली जो खरीदने वाला है उसी को देख के प्राइस डिसाइड करोगे पता चला एक पेन की कॉस्ट आपको तो चाहिए बहुत प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट 10 रुपये की थी आपने बोल दिया अरे नहीं मैं तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट मारूंगा और 100 रुपये की पेन बेचूंगा अरे अगर वो कोई खरीदेगा ही नहीं तो 100 रुपये की पेन बेच के करने का क्या वो दुकान वाले के पास सिर्फ पड़ी रहेगी तुम्हारी 100 रुपये की पेन कोई खरीदेगा नहीं इनफैक्ट यू हैव टू गो बैकवर्ड्स बैकवर्ड्स कैसे मार्केट में पता करो पेन कितने की बिक रही है नॉर्मल पेन्स पता चला कि 10 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक की पेन बिक रही है अब एक काम करो मैं 25 का रखूँगा अगर आपका सेलिंग प्राइस 25 है ओके दिस इज कॉस्ट दिस इज प्रॉफिट दिस इज सेलिंग प्राइस सो इफ आई डिसाइड माई सेलिंग प्राइस टू बी 25 एंड आई थिंक दैट आई वॉन्ट टू अर्न माई कॉस्ट इज 10 रुपीज़ बाय डिफॉल्ट द बैलेंसिंग फिगर बिकम्स 15 रुपीज़ विच इज माई प्रॉफिट ठीक है सो दिस डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वॉज ऑन मार्केट ओरिएंटेड वाला बहुत सारे मेथड्स हैं ये मैंने सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल दिया सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ वॉट आर दी कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइजिंग मेथड्स ठीक है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइजिंग मेथड्स कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइजिंग मेथड्स नाउ द की वर्ड टू रिमेंबर दिस इज BMC मेट ओके द की वर्ड टू रिमेंबर दिस इज BMC मेट नाउ द फर्स्ट वन इज ब्रेक इवन प्राइजिंग द फर्स्ट वन इज ब्रेक इवन प्राइजिंग अच्छा ब्रेक इवन प्राइजिंग मतलब क्या जहाँ पे तुम ब्रेक करते हो कोई भी चीज़ को हाफ कर दो वेर एवर यू ब्रेक इट विल बी नोन एज योर ब्रेक इवन प्राइजिंग अच्छा अभी हम लोग ने हमेशा ये एक वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है मैंने अभी जो लिखा था वो द फॉर्मूला इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज माई सेलिंग प्राइस ये तो सबको पता ही है ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज माई सेलिंग प्राइस ठीक है ब्रेक इवन पता है क्या है ब्रेक इवन सिचुएशन तब होता है जब तुमको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइजिंग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइजिंग लेट्स कंसिडर कॉस्ट इज 50 रुपीज प्रॉफिट इज 50 रुपीज
हेंस माई सेलिंग प्राइस बिकम्स 100 रुपीज़। ठीक है, अभी इसको एक टाइम लाइन पर बिठा के मैं देखती हूँ। तो टाइम लाइन पर मैं कैसे करूँगी पता है? 0, 50 एंड 100। ठीक है ना, 0 to 50, अगर मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ओके, सो अब इफ आई सेल अ प्रोडक्ट एंड आई अर्न 10 रुपीज, आई एम एट लॉस। व्हाई आई एम एट लॉस? बिकॉज मेरा कॉस्टिंग ही 50 रुपया है। अगर मैं 10 रुपया कमाऊँ और मैंने खर्चा किया 50 रुपया, तो 40 रुपीज का मेरा लॉस हो गया। मूविंग अहेड, 20 रुपीज़ अगर मैं कमा रही हूँ, फिर भी मुझे 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। मुझे वहाँ तक देखना है जहाँ तक मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आती हूँ। 10 पे नहीं होगा, 20 पे नहीं होगा, 30 पे नहीं होगा, 40 पे होगा क्या? 40 रुपीज़ मुझे मिल रहा है पर मेरा कॉस्ट 50 है, वापस मुझे 10 रुपये का तो लॉस हो ही रहा है। 50, अगर मुझे 50 रुपीज़ मिल रहा है तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाती हूँ। मतलब 50 रुपीज़ के बाद मुझे जितना भी पैसा मिला दैट वुड बी माई प्रॉफिट। 50 रुपीज़ के बाद मुझे जितना भी पैसा मिला दैट वुड बी माई प्रॉफिट। बट वी आर लुकिंग फॉर अ सिचुएशन विच इज़ अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। सो एट पॉइंट फिफ्टी आई एम एट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन प्राइजिंग। मतलब जब तक मैं 50 रुपीज़ नहीं कमाती तब तक मैं मेरा प्रोडक्ट बेचने वाली हूँ। दैट मीन्स जब तक मैं मेरा कॉस्ट का रिकवरी नहीं कर लेती, जब तक मेरा कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाता तब तक मैं मेरा प्रोडक्ट बेचने वाली हूँ। हाँ, रिकवर होने के बाद मैं सोच सकती हूँ कि नहीं यार इतना मज़ा नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत लग रही है पर प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, देन आई कैन थिंक टू चेंज माई प्राइजिंग पॉलिसी। बट ब्रेक इवन प्राइजिंग इज नथिंग बट वेयर देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, सो फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर टू फॉर्मूलाज। द फर्स्ट फॉर्मूला इज, अच्छा अभी ना कॉस्टिंग में आप प्रॉफिट नहीं बोलते हो, आप कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हो। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर टू फॉर्मूलाज। आई वॉज सेइंग कि प्रॉफिट, अभी अपन प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग प्रॉफिट को बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन। सो वी हैव टू रिमेंबर टू फॉर्मूलाज। द फर्स्ट फॉर्मूला इज कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्रॉफिट ओनली। बट अभी बड़े हो गए तो प्रॉफिट नहीं बोलने का, कॉन्ट्रीब्यूशन बोलने का। ठीक है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक बार मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा ना तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने प्रोडक्ट्स बेचने हैं जिसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन अराइज होगा। आई एक्सप्लेन यू अगेन। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन अभी हम लोग ने पढ़ा, वो रुपीज़ के हिसाब से पढ़ा कि 50 रुपीज़ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। बट अगर मुझे कोई आके पूछेगा कि मैम अगर मुझे यूनिट्स के हिसाब से पता करना है कि कितने यूनिट्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो यूनिट्स पे मतलब 40,000 बेचोगे यूनिट्स तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, 30,000 बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, कैसे पता चलेगा? राइट, सो वो पता करने के लिए देयर इज अ सेकेंड फॉर्मूला। द सेकेंड फॉर्मूला वी आर लुकिंग फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, द सेकेंड फॉर्मूला इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो कैसे पता चलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना उसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर टू फॉर्मूलाज। वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड द अदर इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स विच इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इन नेक्स्ट पॉइंट ना जो एम वाला पढ़ेंगे ना, मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसमें मैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का आपको डिफ्रेंसिएशन बताती हूँ। एक सम कर ले इसके बारे में, विल डू अ सम एंड देन मूव ऑन। अच्छा, इसे मैं रहने देती हूँ, यहाँ पे मैं सम की डिटेल्स दे देती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल से माई फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 लाख रुपीज। माई फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 लाख रुपीज, माई वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 10 पर यूनिट।
okay, my variable cost is rupees 10 per unit and my selling price is rupees 20 per unit. इतनी information से मुझे ये सारी चीजें मिल जाएगी. हाँ, let's solve. I'm writing it in red so that you know. Let's come here. What is my selling price? 20. What is my variable cost? 10. तो मुझे contribution मिल जाएगा. Selling price minus variable cost is 10. ठीक है? मेरा contribution कितना आया? 10. अभी मुझे fixed cost दिया है. Fixed cost कितना दिया है मुझे? 4 lakh rupees. तो 4 lakh rupees divided by contribution ढूंढा 10. कितना? 40,000 units. 40,000 units क्या है? 40,000 units is nothing but my break-even point units. मतलब अगर मैं 40,000 units बेचूंगी ना, तब तक मेरा cost recovery हो जाएगा. उसके बाद the moment I cross 40,000, इसके बाद 40,000 and one unit बेचूंगी ना, तब मुझे profit होगा. तब मुझे कितने का profit होगा? 10 rupees per unit ka profit hoga. So we finished with our first point, that is break even pricing. The second cost oriented pricing method is marginal costing. Acha, pehle marginal costing samajhne ke pehle na, you have to understand two concepts. I am pretty sure you all know those concepts, but assuming thoda revision ho jayega, we need to go through the second also, that is marginal pricing. Which are the two concepts? One is fixed cost and the other is variable cost. अच्छा, last lecture ही मैंने बताया था fixed cost क्या है? जो fixed रहता है, number of units पे change नहीं होने वाला. For example, अगर ये room में AC चल रहा है, तो AC चल रहा है, तो मेरे लिए AC तो चल ही रहा है. अगर ये room में 20 students से ज़्यादा आ गए, for example 40 students आ गए, तो अभी एक ही एसी लगने वाला है. 40 स्टूडेंट्स के लिए तीन एसी मैं नहीं लगाऊंगी, बिकॉज एक एसी में 40 स्टूडेंट्स आ जाएंगे. लिविंग दिस, लाइट्स चल रही है क्लासरूम में, ठीक है, तो एक बंदा आएगा तो भी इतनी ही लाइट्स चलेगी, 100 बंदे आएंगे तो भी इतनी ही लाइट्स चलेगी, ठीक है. सो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डजंट मैटर, फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफिस रेंट, ठीक है. ये क्लासरूम है, क्लासरूम का रेंट भरते हैं हम लोग, ठीक है. क्लासरूम का रेंट भरते हो, पूरा महीना ये खाली रहेगा ना, तो भी मुझे रेंट तो भरना ही पड़ेगा. या फिर 365 डेज 24/7 चलाती हूँ मैं. सुबह मॉर्निंग बैच लेती हूँ, इवनिंग बैच लेती हूँ, नाइट बैच लेती हूँ. एवरी बैचेस आई टेक टू टीच किड्स, आई एम, मुझे ऑफिस रेंट उतना ही भरना पड़ेगा. ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैडम आप रात को भी बच्चों को सिखाते हो, आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा. नहीं, वाई? बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड. टेलीफोन बिल, इट इज़ फिक्स्ड. अच्छा, टेलीफोन बिल कहाँ तक फिक्स होता है पता है? इनिशियल लेवल तक फिक्स होता है. आप पोस्टपेड लेने जाओगे ना, तो आपको रेंटल्स वो बोलेगा कि हाँ 200 का रेंटल है, 400 का रेंटल है, मतलब मिनिमम 200 भरना पड़ेगा. उसके ऊपर फिर वो वेरिएबल हो जाता है, ठीक है. So that is fixed cost. Second is variable cost. Variable cost is number of units पे बढ़ता रहता है. Best examples are direct material. अगर एक unit बनाना है तो एक material लगेगा, 10 unit बनाना है तो 10 लगेगा, 1 lakh बनाना है तो 1 lakh units लगेंगे, ठीक है. Variable, number of units change होता है, वैसे number of raw material भी change होने वाला है. Labor, direct labor, एक unit बनाने के लिए 1 hour लगता है, तो 10 यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लगेंगे, तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए 100 आवर्स लगेंगे. सिंपल, इफ़ यू इंक्रीज द यूनिट्स, योर एक्सपेंस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. कमिंग बैक टू द मेन प्राइजिंग, दैट इज मार्जिनल प्राइजिंग. अच्छा, मार्जिनल प्राइजिंग में होता क्या है पता है? एक्सपोर्टर थिंक्स, एक्सपोर्टर वॉन्ट्स टू ओनली ग्रैब फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम लोकल मार्केट और रेस्ट ऑफ द कॉस्ट ना वो एक्सटर्नल मार्केट से ले लेगा. इसका मतलब क्या? वापस आते हैं. वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज माई टोटल कॉस्ट, करेक्ट. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज माई टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी माई सेलिंग प्राइस,
ठीक है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी माई सेलिंग प्राइस. लेट्स अज्यूम फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 30 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 20 रुपीज़ है, तो मेरी टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई 50 रुपीज़. अब मुझे प्रॉफिट चाहिए 50, सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया 100 रुपीज़. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं लोकल मार्केट में, दैट इज़ इंडियन मार्केट में, मैं इतने प्रोडक्ट सेल करूँगी कि मेरा 30 रुपीज़ का फिक्स्ड कॉस्ट आ जाए, मैं मुझे फिक्स्ड कॉस्ट 30 रुपीज़ का यही मिल जाए. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, 50 रुपीज़ का मेरा जो प्रॉफिट है ना वो मैं यहाँ चार्ज कर दूंगी, तो 50 रुपीज़, तो 50 + 30 आई विल सेल द प्रोडक्ट इन इंडिया फॉर 80 रुपीज़. ठीक है, मैं क्या करूँगी, 80 रुपीज़ में मैं मेरा प्रोडक्ट इंडिया में सेल करूँगी. ठीक है, 100 रुपीज़ भी कर सकती हूँ, लेट्स अज्यूम 80 to 100 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट मैं सेल करूँगी इंटरनली, दैट इज इन इंडिया. अब मेरा 20 रुपीज़ का कॉस्ट बाकी है रिकवर करना. ठीक है, मेरा 20 रुपीज़ का कॉस्ट बाकी है, पर मैं क्या बोलूँगी पता है, कि एक तो मार्केट में ना मुझे कोई जानता नहीं है, मेरा ब्रांड कोई जानता नहीं है, ना मुझे कोई जानता है, बिकेगा कैसे मेरा माल. एक काम करती हूँ, मैं लोअर प्राइस पे बेचती हूँ. इफ़ आई सेल माई प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, एटलीस्ट देर वुड बी समवन हु विल कम एंड बाय. अच्छा लगा तो और बाय करने ही वाले हैं, बट एटलीस्ट स्टार्टअप के लिए तो मैं लोअर प्राइस रखूँ, कॉम्पिटिशन तो नहीं लगेगा मुझे. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल एनी विच वेज आई हैव अक्वायर्ड द 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हियर इन फिक्स्ड कॉस्ट इन लोकल मार्केट. तो यहाँ मैं क्या करूँगी, एक काम करती हूँ, यहाँ पे ना 50 की जगह प्रॉफिट सिर्फ 40 रखती हूँ, और एक्सटर्नल मार्केट पे बेचती हूँ एट 40 रुपीज़. अगर मैं एक्सटर्नल मार्केट पे 40 रुपीज़ पे बेचूंगी तो एक्सटर्नल, और वही चीज़ इंटरनल मार्केट पे 80 to 100 में बेचूंगी तो 80 to 100 में मेरा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगा, और यहाँ तो वैसे भी एक्स्ट्रा ही है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला. ठीक है, सो दिस प्राइजिंग इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्राइजिंग. ओके, नाउ देर आर फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्राइजिंग. एडवांटेजेस इज, थोड़ा प्रोडक्ट तो यहाँ पे वैसे ही सड़ने वाला था, कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे द डिमांड वॉज ऑफ 80,000 यूनिट्स. ठीक है, डिमांड था 80,000 यूनिट्स का, पर मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी था 1 lakh rupees का. ठीक है, तो कितने बच गए, 20,000 यूनिट्स तो मुझे यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहते मेरे फैक्ट्री में, मेरे गोडाउन में. इससे अच्छा ये 20,000 बेच दूँ, जितने पैसे आए उतने, है ना, जितने पैसे आए उतने, एटलीस्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाएगा, इफ नथिंग एल्स. लॉस तो होने नहीं वाला, बिकॉज मेरा फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी मैं इंटरनल मार्केट में कवर कर रही हूँ. ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया तो क्या गलत है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल गया तो क्या गलत है. ठीक है, सो द फर्स्ट एडवांटेज इज मेरा जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो बिक रहा है. ओके, सेकेंडली मैंने एक्सपोर्ट मार्केट में मेरा प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर लिया एट लोअर प्राइस, बिना कुछ झिकझिक, सिर्फ मुझे एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, पर वो ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है बाकी के 20,000 बनाने के लिए, बिकॉज मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 lakh का था. हाँ, अगर ये 1 lakh की जगह मैं खास 2 lakh बनाती, अज्यूमिंग 1 lakh फॉर एक्सपोर्ट एंड 1 lakh फॉर इम्पोर्ट, तो बात अलग है, पर ये तो मेरा वैसे भी गोडाउन में रहने वाला था, इससे अच्छा मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, रिकग्नाइजेशन मिल गया. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर कर लिया. सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. देर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, जैसे कि 40 रुपीज़ में बेचा, बट बाद में पता चला कि यार मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा निकला कि मैं अगर 100 रुपये में भी बेचती ना तो भी मुझे मिल जाता, तो मैंने कितना लॉस कर लिया, मैंने 60,000 का लॉस कर लिया. क्यों? क्योंकि मैंने 40 में बेचा और बाद में मुझे पता चला कि लोग तो 100 रुपये भी देने को तैयार थे. ठीक है, तो ऐसा होता है जब आपको एक्स्ट्रा यूनिट सेल करना होता है ना, आप सस्ते में बेच देते हो, बट बाद में आपको पता चलता है कि आपका मटीरियल या आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि पीपल वर रेडी टू पे 100, यू सोल्ड इट इन 40, यू मेड अ लॉस ऑफ 60 रुपीज़. ठीक है, बट ठीक है, ये सब चलता है. एटलीस्ट वॉट इफ अदर सिनेरियो, कुछ और सोच लो, अगर ये 20,000 घर पे ही रहता तो लॉस हो जाता ये 20 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट का, इससे अच्छा तो बिक गया. ठीक है, सो दोज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस. द थर्ड इज कॉस्ट प्लस प्राइजिंग, दैट इज कॉस्ट प्लस अप्रोच भी बोलते हैं. कॉस्ट प्लस अप्रोच में
कॉस्ट प्लस अप्रोच हर कोई करता है, इट इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस. अगर मेरा कॉस्ट 100 है ना, तो मैं बोलूंगी कि मुझे कॉस्ट का 10% कमाना है, आई वॉन्ट टू अर्न 10% ऑफ कॉस्ट एंड आई विल मेक माई सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंगली. सो इफ आई वॉन्ट टू मेक 10% ऑफ कॉस्ट, देन इट विल बी 10% ऑफ 100 विच इज 10, माई सेलिंग प्राइस विल बी 110. हो गया, दिस इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ईजिएस्ट एंड सिंपल. सारे कॉस्ट को ऐड करो, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ब्ला 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 ब्ला, सबको ऐड करो, टोटल कॉस्ट निकालो. 100 आया, वो 100 पे 10% अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड करो. जरूरी नहीं है 10%, आप 20 भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, आपको जो रखना है रखो, बट कॉस्ट निकालो. कॉस्ट निकालने के बाद तुरंत ही उस पर परसेंटेज का प्रॉफिट ऐड कर लो, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन, इतना सब सोचने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. सिमिलरली देर इज समथिंग एल्स जहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस पे मेरा प्राइसिंग करती हूँ, उसको क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइसिंग. मार्कअप प्राइसिंग इसमें उल्टा जाने का, कैसे, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है. मुझे मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा ना कॉम्पिटिटर 100 रुपये में चॉकलेट बेच रहा है. दो कॉम्पिटिटर है जो 100 रुपये में चॉकलेट बेच रहा है, तो मैं तो 110 वाला चॉकलेट बेच ही नहीं सकती, मुझे एटलीस्ट 100 रुपये में अब मेरा सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा. तो मेरी सेलिंग प्राइस फिक्स हो गई. अब मुझे कॉस्ट पता है मेरा कॉस्ट है 50. मुझे पता है कि वो जो चॉकलेट जो मैंने बनाई थी वो मैंने 50 रुपये में बनाई थी. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 50 हो गया. सिंपल, सेलिंग प्राइस पे मैं मेरा प्रॉफिट चार्ज करूँगी, तो सेलिंग प्राइस पे मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 50%. सो आई हैव चार्ज 50% ऑफ सेलिंग प्राइस. इन द अर्लियर केस आई हैड चार्ज 10% ऑन कॉस्ट, इन दिस केस आई हैव चार्ज 50% ऑफ माई सेलिंग प्राइस. ठीक है, दिस इज मार्कअप प्राइसिंग. द नेक्स्ट इज ईजी कैश रिकवरी प्राइसिंग. ईजी कैश रिकवरी प्राइसिंग. अच्छा, इस ये पर्टिकुलर चीज ना सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, जैसे कि सेलफोन्स और वीडियो गेम्स और फैशनेबल क्लोथ्स. ये सब चीज़ में कॉमन क्या है पता है, एवरी टाइम ना इन लोग का इनोवेशन जल्दी फास्ट चेंज होता है. जैसे कि इस दो में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतने फास्ट होते हैं कि 2 महीने में वो सेलफोन पुराना हो जाता है. 2 महीने पहले आया नहीं, उसके एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखी नहीं, पेपर पे देखी नहीं, 15 दिन में पीपल स्टार्टेड बाइंग इट, अदर 15 डेज पीपल यूज इट, अदर 15 डेज पीपल को पता चल गया कि अरे यार ये तो अभी पुराना हो गया, अभी तो नया मॉडल आया है वो लेना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है, मैंने एक सेलफोन बनाया है जिसको बनाने में मुझे 1 साल लगा है, उसमें ब्लूटूथ डालना है, ये डालना है, वो डालना है. आजकल तो कितनी सारी नई चीज़ें आती है, कैमरा, वीडियो, दिस मेगा पिक्सल, दैट मेगा पिक्सल, एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स दैट एवरी 2 months a new cell phone is coming from the same brand. ऐसा भी नहीं है कि सैमसंग वाले ने एक issue किया और 1 साल तक चुप बैठा, सोनी वाले ने एक issue किया 1 साल तक चुप बैठा, ऐसा नहीं है. Every 2 months they come with a new model, they come with a new cell phone. तो ऐसे cases में क्या होता है, मैंने जितना खर्चा किया है ना एक cell phone, वो एक cell phone बनाने में, for example ये एक cell phone रिसर्च करने में ही मुझे लग गए 20 लाख रुपये. ठीक है, 20 lakh rupees I have spent on this cell phone, but this cell phone is going to get outdated in just 2 months. तो मेरा टारगेट क्या होगा कि 2 महीने में और कुछ नहीं तो कुछ नहीं मेरे 20 लाख तो आ जाए. ठीक है, प्रॉफिट तो करना ही है, वो तो है ही, बट इफ नथिंग एल्स बाई चांस प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी मेरा कॉस्ट तो रिकवर हो ही जाना चाहिए. सो इन लोग क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे ये सारी चीज़ों के भाव बहुत कॉस्टली रखते हैं. क्यों, एटलीस्ट कॉस्ट रिकवरी तो होना चाहिए कि नहीं.
ठीक है. सो हेंस दीज आर दी बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर ईजी कैश रिकवरी. क्विक कैश रिकवरी होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, तो इसीलिए उन लोग का प्राइजिंग भी इनिशियली हाई रखना पड़ता है. नेक्स्ट, टारगेट रिटर्न प्राइजिंग, ये सबको ही पता है. टारगेट रिटर्न प्राइजिंग क्या होता है? मैंने जितना इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल कल पापा ने आके मुझे बोला कि ये ले एक लाख रुपए, कर ले अपना बिजनेस. एक साल बाद मुझे ये एक लाख रुपए का 10% एड ऑन चाहिए. मतलब अगर मुझे रुपीज़ 1 लाख दिया है एंड ही सेड 10% एड ऑन विच मेक्स इट रुपीज़ 1,10,000. एक साल के बाद मुझे मेरे पापा को 1,10,000 देना ही है, ठीक है. तो अगर मुझे 1,10,000 देना है एक साल के बाद मेरे पापा को, तो दैट इज नथिंग बट रिटर्न प्राइजिंग. जितना इन्वेस्ट किया है उतना मुझे तुरंत मिलना चाहिए, ठीक है. सो आई शुड नो कि मैंने कितना टारगेट किया है और मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए. सो दैट इज नथिंग बट टारगेट रिटर्न प्राइजिंग. सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ प्राइजिंग मेथड्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट. मैंने बोला कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइजिंग मेथड्स. मेक अ नोट, विल कंटिन्यू विद द सेकेंड हाफ ऑफ प्राइजिंग मेथड्स. So we finished with cost oriented pricing method. Now we will start with the second part, that is market oriented pricing method. अब इसको याद रखने के लिए keyword क्या है? DSPTDG. Starting with the first one. The first one is, अच्छा पहले मैंने क्या बोला था, हम लोग कॉस्ट को बेस रख के प्राइजिंग मेथड डिसाइड करेंगे. नाउ हम लोग मार्केट को बेस रख के प्राइजिंग मेथड डिसाइड करेंगे. मैंने अभी बोला था मार्केट में जाके देखो कि लोग कितना पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, आर दे एबल टू स्पेंड सो मच मनी ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. पता चला उन लोग को बिस्किट 10 या 12 रुपए से ज़्यादा नहीं चाहिए और तुमने डायरेक्ट 100 रुपीस का बिस्किट लॉन्च कर लिया, कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है. सो मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको प्राइजिंग मेथड सिलेक्ट करना है. सो द फर्स्ट प्राइजिंग मेथड इज डिफरेंशियल प्राइजिंग मेथड. The first method is differential pricing method. Now what is differential pricing method? अलग अलग products के लिए अलग अलग pricing. मैंने कल बताया था umbrella product मतलब टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी बहुत सारी चीज़ें बेचती है, जैसे कि salt, tea, coffee, ज्वेलरी. तनिष्क इज टाटा प्रोडक्ट ओनली, तो ज्वेलरी. तो अगर इतनी सारी चीज़ें बेचती है हर किसी का भाव सेम थोड़ी होने वाला है. अगर वो टी 12 रुपीज़ का बेचती है, अरे 12 रुपीज़ में बेच रहा है, और सॉल्ट से 9 रुपीज़ में बेच रहा है, तो कॉफ़ी 12 या 9 में थोड़ी बेचेगा, उसकी मर्जी, उसका जितना प्राइजिंग आ रहा है वो हिसाब से बेचेगा. 20 रुपीज़ में बेचेगा. ज्वेलरी तो इतने में आने से रही, ये तो 1 लाख के नीचे बेचेगा ही नहीं. वो ज्वेलरी कौन बेचता है 12, 9 और 20 रुपए में, ठीक है. तो डिफरेंट प्राइजिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट. जस्ट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ टाटा ब्रांड दैट